इस वीडियो में हम एक स्ट्रिंग को लेटर बाय लेटर प्रिंट करेंगे व्हाइल लूप के थ्रू। तो एक नेम नाम के वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें स्टोर कर रहे हैं अनिरुद्ध नाम, ठीक है ना। इसको हम लेटर बाय लेटर प्रिंट करेंगे। आई इज इक्वल टू 0 ले लिया। आर एस नाम का एक वेरिएबल में लेंथ लेके लेंथ ऑफ नेम -1 वाइल लेंगे। आई लेस देन इक्वल टू आर एस, ठीक है, प्रिंट करेंगे नेम को, नेम, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट कर देंगे आई को, आई प्लस इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 ये प्रिंट कर रहा है। और मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं डालूंगा, तो यहाँ पे मेरे को -1 डालने की भी जरूरत नहीं है। तो ये अनिरुद्ध ही प्रिंट करेगा, और मैं इक्वल टू साइन हटा दूंगा तो -1 भी हटा सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अब एक लिस्ट लूंगा नंबर्स का, जैसे नंबर्स नाम की एक लिस्ट ले ली, उसके अंदर मैं नंबर डाल दी, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसमें एक वेरिएबल ले रहा हूँ, साइज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आई इज इक्वल टू 0, सेम जैसे पहले करा था वैसे ही, वाइल आई इज लेस देन साइज। इसे मैंने इक्वल टू साइन नहीं डाला, तो मैंने ऊपर भी -1 नहीं करा है। प्रिंट करेंगे नंबर्स ऑफ आई, उसके बाद आई प्लस इज इक्वल टू 1, तो इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। तो आप देख सकते हैं सारे नंबर इसने 1 बाय 1 प्रिंट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब अलग अलग डेटा टाइप ले लेते हैं इसमें लिस्ट में। तो एक लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ले लेते हैं हम, एक इंटीजर ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम पाइथन, हमने स्ट्रिंग ले ली एक, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोटिंग पॉइंट ले लेते हैं 90.56। ये हमारे अलग अलग डेटा टाइप हो गए इसमें। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम सिर्फ 2 ही आइटम को प्रिंट करना चाह रहे हैं शुरू के, और बाकी का जो भी है वो प्रिंट नहीं करेगा। तो वाइल आई इज लेस देन 2, ठीक है, प्रिंट कर देंगे लिस्ट को, प्रिंट लिस्ट आई, ठीक है, और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 आइटम शुरू के प्रिंट करें। तो हम इटरेट करेंगे नंबर्स को वाइल लूप के थ्रू। तो हम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई 4 4 2, तो स्क्वायर करते आएंगे सारे नंबर को। उसके बाद आई प्लस इज इक्वल टू 1। तो आउटपुट देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक इसने प्रिंट करा है। अब इसी प्रकार से क्यूब देखेंगे 1 से लेकर 9 का, आई इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 वाइल आई इज लेस देन 10, क्योंकि इधर आई इज लेस देन 10 लिया तो 9 तक ही प्रिंट करेगा। इक्वल टू डाल देंगे तो ये 10 का भी क्यूब निकाल देगा। प्रिंट कर रहे हैं आइस 4 आइस 4 आए, तो 3 बार आइस 4 कर देगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आइस 4 4 3, तो ये आई क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। तो आई प्लस इक्वल्स 1। तो आप देख सकते हैं इसे क्यूब प्रिंट कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने आइस 4 आर लिखा है, तो इसके अगर डबल्स 4 3 लिखेंगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा।